रे अल्लाह मेरे मौला, आए मेरे अल्लाह चराग जलता हुआ मैं हवा पे छोड़ाया और तमाम मुश्किलें मुश्किल को शापे छोड़ाया। कहना के चराग जलता हुआ मैं हवा पे छोड़ाया, मैं सारी मुश्किलें मुश्किल को शापे छोड़ाया, मैं घर से पढ़ के चला आयतल कुर्सी और अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ाया। खुदा पे छोड़ आया। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए नात का रुख कर रहा हूं, चूंकि यहाँ नबी के दीवाने भरे पड़े इस महफिल में, क्योंकि अगर नबी के दीवाने नहीं होते तो महफिल में नहीं आते। जितने सरकार के दीवाने एक बार हाथ उठाकर गए नारा तकबीर, तो काबे में हो मजदूरी। ये जनाब सलीम जावेद साहब है, बड़े अच्छा चीज थे कि काबे में हो मजदूरे और इन मदीने में और मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में। जितने आप लोग कहना के काबे में हो मजदूरी, क्या बात है। ये चचा बहनी की है, एक बड़ा ही पुराना शेर याद आ गया उस्ताद जानी बाबू साहब, कहना के गुलामे मुस्तफा हालात से घबरा नहीं सकता। चचा जान, गुलामे मुस्तफा हालात से घबरा नहीं सकता और खुदा को बिन वसीले से कोई भी पा नहीं सकता। खुदा को बिन वसीले से कोई भी पा नहीं सकता और जमा जाएंगे सब जन्नत में ये बूढ़ा जा नहीं सकता। जमा जाएंगे सब जन्नत में ये बूढ़ा जा नहीं सकता और मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा बुढ़ापा नहीं सकता, मगर अल्लाह की रजा है मोहब्बत रसूल की है ख्वाहिशे निजा, इताअत रसूल की। मगर सजा जान, दिल से करेगा जो भी मोहब्बत रसूल की तो हासिल उसे भी होगी शिफात रसूल की। अल्लाह भी जब रसूल का जन्नत रसूल की, अल्लाह भी जब रसूल का जन्नत रसूल की, क्योंकि खुदा पाक अपने महबूब के सदके में आदम की खताओं को बख्शा है। अल्लाह भी जब रसूल का जन्नत रसूल की तो दो लख में 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 कैसे जाएगी उम्मत तेरा, दो लख में कैसे जाएगी उम्मत तेरा, दो लख में कैसे जाएगी उम्मत तेरा, दो लख में कैसे कमेटी बैठी है। हे अल्लाह भी जब रसूल का जन्नत रसूल के तो दो लख में दो लख दो लख दो लख में दो लख दो लख दो लख में कैसे जाए उम्मत तेरा, दो लख में
दोजख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। तो मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। बड़ा ही अच्छा आप लोग सुनते भी हैं माशाल्लाह, जितना सुना उनसे बढ़ के पाया। मुखिया जी और अनारकली जी, अरे मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। अल्लाह 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 कर रहा था हिफाजत। जो पढ़ रहे थे दरूद सलाम हाजिर हो। सुभान अल्लाह कहते हैं आप लोग, क्योंकि सुभान अल्लाह कहना और सुनना नबी की सुन्नत है। जो पढ़ रहे थे दरूद सलाम हाजिर हो, वो आला ज़र्फ़ वो आली मकाम हाजिर हो। सवाल ये था कि जन्नत मिलेगी किस किस को, सवाल ये था कि जन्नत मिलेगी किस किस को। जवाब आया कि नबी के गुलाम हाजिर हो, नबी के गुलाम हाजिर हो। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मतलब आ रहा हूँ। तशरीफ लाने वाले थे दुनिया में जब नबी, तशरीफ लाने वाले थे दुनिया में जब नबी, सल्ले अल्लाह की धो हर एक से थे मची। पूरे कसीदा पढ़ती थी आका की शान में, पूरे कसीदा पढ़ती थी आका की शान में, और ये सदाए आती थी हर एक के कान में। क्या तो आदम बोले यहिया बोले, क्या बात जो अगर पहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। अगर पहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारे महफिल में बड़े बूढ़े बहुत जरूरी है, हमारे महफिल में ये बड़े बूढ़े बहुत जरूरी है। अरे यही नहीं रहेंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। ताली लगा दे आपको, बहुत मेहनत करती है, क्या बात है। मेरी दुआ है कि ये हर साल जीतती रही है। दादा दादा आप भी सुनेंगे, मतलब जा रहा हूं। आने वाला वो नबी सब सुना।
बोले ईसा बोले मूसा बोले सब बोले बबलू भाई सब बोले। ये जनाब सलीम भाई की जानिब से 1000 रुपए आए, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। आदम बोले ईसा बोले मूसा बोले आदम बोले यहया बोले ईसा बोले मूसा बोले सब बोले क्या बोले क्या बोले बबलू भाई और भैया आप लोग से क्या बोले कि भोला भाला भोला भाला भोला भाला मजार कमेटी की जानिब से 100 रुपए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हे भोला भाला भोला भाला हे भोला भाला वो आमना का जाबिर आलम झिरकी के जानिब से 100 रुपया और हमारे मुखिया जी और हमारे बड़े भाई बहुत बहुत अब आगे का शेर दे रहा हूं, आप लोग भी सुनेंगे। हर सुजहां में धूम मची है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए उनके बाद का आलम क्या होता है भैया? आप लोगों से भी दोस्त जाऊंगा और इधर भी आप लोग जो दाहिने साइड बैठे हैं। हर सुजहां में धूम मची है, हर सुजहां में धूम मची है, नूर के बादल छाए। काली कमलिया वाले आका, काली कमलिया वाले आका, रहमत बन कर आए। जिनका सानी क्या साया नहीं है, जिनका सानी क्या साया नहीं है, दूसरा ऐसा आया नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है। तो हुरे बोली गिलबा बोले, हुरे बोली गिलबा बोले, हुरे बोली गिलबा बोले, हुरे बोली गिलबा बोले, और सारे फरिश्ते बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले भैया क्या बोले चाचा जान क्या बोले कि आने वाला आने वाला आने वाला वो नबी सऊद आने वाला वो नबी सबसे प्यारा है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक दो शेर पढ़ूंगा क्योंकि राधा हमें और आपको उस्तादी का प्रोग्राम सुनना है। मैं तो बस आप लोगों की मोहब्बत में बैठा हूँ, ये सरकार रफीक शाह की मोहब्बत है। कैसे और एक बड़े अच्छी हमारे और आपके बीच बड़े अच्छे शायर जनाब
जनाब मुस्तकीम संजरी साहब आवे हैं, उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। आए वो आए वो आए 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 वो आए वो आए वो आए वो आए वो प्यारे नबी सितम नहीं है मोहम्मद के दीन में जुल्म सितम नहीं है मोहम्मद के दीन पे जुल्म सितम नहीं है मोहम्मद के दीन पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे बबलू भाई बड़े भाई तब तब कोई बेटी अगर हो जाती थी तो उन्हें जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन नबी के आने के बाद क्या हुआ तो भी चाहूंगा। सितम नहीं है मोहम्मद के दीन में सितम नहीं है मोहम्मद के दीन में